इस वीडियो में बेसिक गेट्स का स्टडी करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट जनरल कैसे बनाना है इसको सीखेंगे, ब्रेडबोर्ड में सर्किट कनेक्शन करेंगे और टू टेबल आइए हम लोग सबसे करेंगे। पहले लेफ्ट जनरल कैसे बनाएंगे उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर लिखेंगे, यहाँ पे एम लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड लिखेंगे, थ्योरी जितना गेट का वेरीफाई करेंगे सारे गेट का थ्योरी लिखेंगे, और यहाँ पे प्रोसीजर हम लोग सर्किट कैसे कनेक्शन किए वो प्रोसीजर लिखेंगे, और ये पिन डायग्राम है आईसी का उसको बनाना है, और ऑब्जर्वेशन में लॉजिक इनपुट और लॉजिक आउटपुट का ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और लास्ट में जनरल में स्पेसिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट पब्लिक ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ इक्विपमेंट, स्पेसिफिकेशन। सीरियल नंबर वन पे अगर हम लोग एंड गेट यूज किए हैं तो यहाँ एंड गेट लिखेंगे और उस गेट का आईसी नंबर यहाँ पे लिखेंगे। नॉट गेट यूज किए हैं टू पे नॉट गेट लिखेंगे और उसका आईसी नंबर 7404 लिखेंगे। तो जितना आईसी यूज करेंगे उसका हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में लिखेंगे। रिजल्ट पे हम लोग सारे गेट का ट्रुथ टेबल को वेरीफाई किए तो उसको यहाँ पे लिखेंगे। प्रिकॉशन में पिन नंबर 7 को ग्राउंड करते हैं और पिन नंबर 14 पे बीसीसी देंगे। तो ये सब हम लोग का प्रिकॉशन में होगा, और कनेक्शन टाइट रहना चाहिए कोई भी सर्किट में, तो ये सब प्रिकॉशन में रहेगा। तो आइए अब हम लोग ये बोर्ड को देखते हैं। ये डिजिटल आईसी ट्रेनर किट है, इसमें यह ब्रिड बोर्ड है, ब्रिड बोर्ड में ये आईसी कनेक्शन किया हुआ है, और यहाँ से हम लोग लॉजिक इनपुट देंगे को अगर प्रेस करेंगे तो ये हाई होगा, ग्लो करेगा तो ये हाई है, और ग्रीन रहेगा तो ये लो होगा। और यहाँ से हम लोग बीसीसी सप्लाई देंगे जो पिन नंबर 14 पे दिया जाता है, और आउटपुट जो है हम लोग यहाँ से देखेंगे। तो आइए हम लोग पहला गेट को कनेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले आईसी का पिन डायग्राम, हम लोग पिन को कैसे काउंट करते हैं तो देखते हैं। तो ये नॉच को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे आईसी का, और एंटी क्लॉकवाइज पिन को काउंट करेंगे। ये यहाँ पिन नंबर 1 होगा, ये 7, ये 8, और यहाँ पे 14। पिन नंबर 14 पे वीसीसी देंगे 5 वोल्ट, और पिन नंबर 7 को ग्राउंड करेंगे। ये एंड गेट का आईसी है, इसी तरह आप लोग नॉट गेट और गेट का आईसी का पिन डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे पिन नंबर 1 और 2 इनपुट होगा, पिन नंबर 3 जो है ये आउटपुट होगा। पिन नंबर 1 और 2 में लॉजिक इनपुट देंगे, और यहाँ पिन नंबर 3 से लॉजिक आउटपुट लेंगे। तो आइए अब हम लोग सर्किट कनेक्शन करते हैं और इसका ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एंड गेट का ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। पिन नंबर 14 को हम लोग बीसीसी देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कनेक्शन करेंगे। ये लाइन पूरा बीसीसी का लाइन है, और हर एक आईसी में पिन नंबर 7 को ग्राउंड किया हुआ है और पिन नंबर 14 पे बीसीसी दिया हुआ है, और ये ग्राउंड का वायर है तो हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिए, ये पूरा ग्राउंड पॉइंट हो गया। अब हम लोग लॉजिक इनपुट देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा पी, ये हम लोग का एंड गेट है, ये और गेट है, ये नॉट गेट है, ये नैंड गेट है, और ये नॉर गेट है, और ये जोर गेट है। तो अभी हम लोग एंड गेट का ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। पिन नंबर 1 पे हम लोग पुट, इसको हम लोग ए लेंगे, इसको बी लेंगे। तो पिन नंबर 1 पे ए दिए, और यहां से पिन नंबर 2 को बी देंगे, और यहां से हम लोग आउटपुट लेंगे, तो ये पिन नंबर 3 से आउटपुट होगा। तो अभी हम लोग का एंड गेट का ट्रुथ टेबल जो होगा
जब दोनों इनपुट हाई होगा तो आउटपुट हाई होगा, नहीं तो आउटपुट जीरो होगा। तो अभी दोनों इनपुट जीरो जीरो पे है तो आउटपुट भी ये जीरो है। अब हम लोग जीरो वन, ये ए है ये बी है, जीरो वन इसको प्रेस करेंगे तो ये ग्लो कर रहा है, तो जीरो वन पे भी आउटपुट जीरो है। वन जीरो आउटपुट जीरो, वन वन तो यहाँ पे ये एलईडी ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग एंड गेट का ट्रू टेबल को वेरीफाई करते हैं। आइए अब हम लोग और गेट का ट्रू टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो ये इसका सिंबल है और यहाँ पे ये ट्रू टेबल है। तो और गेट में कोई एक भी इनपुट अगर हाई रहा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। तो हम लोग पिन नंबर वन पे ए देंगे और पिन नंबर टू पे बी देंगे और पिन नंबर थ्री से आउटपुट लेंगे। तो अभी दोनों इनपुट जीरो जीरो है तो आउटपुट जीरो। अब हम लोग बी को हाई करेंगे, बी को हाई किए तो आउटपुट यहाँ पे हाई आ गया। फिर ए को हाई किए तो आउटपुट हाई आ गया। ये दोनों इनपुट पर हाई किए तो आउटपुट हाई आ गया। तो और गेट में कोई एक भी इनपुट अगर हाई रहा तो आउटपुट हाई हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट गेट को वेरीफाई करते हैं। तो अगला गेट है नॉट गेट। नॉट गेट का ये सिंबल है, यहाँ पे आगे एक बबल लगा हुआ है और इसमें सिंगल इनपुट और सिंगल आउटपुट। तो इसका आईसी नंबर होता है 7404। तो ये पिन नंबर वन इनपुट होगा और पिन नंबर टू आउटपुट होगा। इसका भी पिन नंबर 7 को ग्राउंड किए हैं और पिन नंबर 14 को बीसीसी पे दिए हैं। तो अभी यहाँ पे इनपुट जो है जीरो है, ग्रीन जल रहा है तो आउटपुट यहाँ पे हाई आ रहा है। अब इसको इनपुट को हाई कर दिए तो आउटपुट यहाँ पे लो हो गया। इस तरह से हम लोग नॉट गेट का ट्रू टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो आइए अब हम लोग नैंड गेट का ट्रू टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो ये हम लोग का नैंड गेट का सिंबल है और यहाँ पे ये ट्रूथ टेबल है। तो नैंड गेट में हम लोग का कोई भी इनपुट अगर लो रहा तो आउटपुट हाई हो जाएगा, अगर दोनों इनपुट हाई रहेगा तो आउटपुट लो होगा। तो यहाँ पे हम लोग पिन नंबर 7 को ग्राउंड किए हुए हैं और पिन नंबर 14 पे बीसीसी दिए हुए हैं और ये पिन नंबर वन जो होगा इनपुट होगा यहाँ पे हम लोग ए देंगे और पिन नंबर टू जो होगा वो बी होगा, इस पर हम लोग इनपुट दिए और पिन नंबर थ्री से आउटपुट लेंगे। नैंड गेट का आईसी नंबर होता है 7400। तो आइए अब हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो अभी दोनों इनपुट हम लोग का जीरो जीरो है तो आउटपुट हाई आ रहा है। फिर हम लोग जीरो वन ये इनपुट को हाई किए तो भी आउटपुट हाई आ रहा है। फिर हम लोग वन जीरो ये इनपुट को हाई किए तब भी आउटपुट हाई आ रहा है। अब हम लोग दोनों इनपुट को वन वन कर दिए तो आउटपुट जीरो आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग नेट गेट का ट्रू टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट गेट नॉर गेट का ट्रू टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो ये हम लोग का नॉर गेट है और इसका आईसी नंबर होता है 7402। तो इसका इनपुट जो है रिवर्स होता है, पिन नंबर
वन जो होगा वो आउटपुट होगा, और पिन नंबर टू और थ्री जो होगा वो इनपुट होगा। तो इसमें गेट का कनेक्शन उल्टा रहता है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम लोग का दोनों इनपुट 00 है, तो आउटपुट हाई है। अब हम लोग का इसमें कोई भी इनपुट अगर हाई रहा तो आउटपुट सीधे लो हो जाएगा। तो अभी हम लोग 01 देंगे, तो ये इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट 0। फिर हम लोग इस इनपुट को ए को हाई कर देंगे, आउटपुट 0। फिर 11 करेंगे तो आउटपुट 0। तो हम लोग का नॉर गेट में कोई एक इनपुट भी अगर हाई रहा तो आउटपुट सीधे लो हो जाएगा, और जब दोनों इनपुट 00 रहेगा तभी आउटपुट हाई होगा। तो इस तरह से हम लोग नॉर गेट का ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो आइए हम लोग अगला गेट जोर गेट का ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो ये हम लोग का जोर गेट है, तो इसका आईसी नंबर होता है 7486। इस गेट में जब दोनों इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट लो होगा, और जब इनपुट डिफरेंट रहेगा तो आउटपुट हाई होगा। तो आइए हम लोग इस गेट को वेरीफाई करते हैं, इसका ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो इसका पिन नंबर 1 पे ए दिए, पिन नंबर 2 पे बी दिए, और पिन नंबर 3 से आउटपुट लिए। ऑब्जर्वर गेट में जब दोनों इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट लो होगा, और जब डिफरेंट होगा तो आउटपुट हाई होगा। तो अभी दोनों इनपुट 00 है तो आउटपुट 0। अब हम लोग इनपुट 01 देंगे, तो ये बी को हाई किए तो आउटपुट हाई आ गया। फिर हम लोग ए को हाई करेंगे तो आउटपुट हाई आ गया। दोनों इनपुट को हाई किए तो आउटपुट 0। तो इस गेट में जब दोनों इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट लो, और डिफरेंट रहेगा तो आउटपुट हाई। तो इस तरह से हम लोग जोर गेट का ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो आइए अब हम लोग अगला गेट तो ये हम लोग का एक्सनोर गेट है। तो एक्सनोर गेट में हम लोग यहाँ पे जोर गेट में जब हम लोग एक नॉट गेट लगा देंगे तो ये एक्सनोर गेट का इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा। तो हम लोग एक्सनोर गेट को दो आईसी यूज करके बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का ये जोर गेट है और यहाँ पे नॉट गेट। तो जोर गेट का आउटपुट को पिन नंबर 3 को हम लोग नॉट गेट का पिन नंबर 1 पे कनेक्ट करेंगे, और पिन नंबर 2 से आउटपुट लेंगे। तो ये एक्सनोर गेट का इक्विवेलेंट सर्किट होगा। इस गेट में जब दोनों इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट हाई होगा, और जब दोनों इनपुट डिफरेंट रहेगा तो आउटपुट लो होगा। तो अभी दोनों इनपुट 00 है तो आउटपुट हाई है। अब हम लोग 01 इनपुट देंगे तो आउटपुट लो हो गया। फिर 10 आउटपुट लो हो गया, 11 आउटपुट हाई हो गया। तो एक्सनोर गेट में जब दोनों इनपुट सेम रहेगा तो आउटपुट हाई होगा, और डिफरेंट रहेगा तो आउटपुट लो होगा। तो इस तरह से हम लोग सारे गेट का ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर लिए। तो वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।